मंच पर उपस्थित समस्त संतजन, विद्वत वर्ग और यहाँ उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, इस 3 दिवसीय सम्मेलन में जिनका विषय है वेद, प्राच्य विद्या इत्यादि जो भी भारतीय संस्कृति है उनके विषय में जानना, समझना और उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जा सकता है उस पर बात करना और उस पर अमल करना। तो इसी प्रसंग में मेरे मन में एक विचार आ रहा था जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ, और इसके लिए एक प्रश्न हम सभी के हृदय में उत्पन्न होना आवश्यक है। और वो प्रश्न ये है कि हम भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अथवा भारतवर्ष को सर्वश्रेष्ठ यदि कहते हैं तो उसका कारण क्या है? हम मेरा भारत महान कहते हैं या अलग अलग नामों से, कोई इंडिया कहता है, कोई भारतवर्ष कहता है, कोई आर्यवर्त कहता है। यहाँ उपस्थित सभी से पूछेंगे कि विश्व भर में सबसे महान देश कौन सा है, तो हम सब कहेंगे कि हमारा भारत महान है जो यहाँ उपस्थित है। लेकिन कहने के लिए तो प्रत्येक देश का वासी अपने अपने देश को महान ही कहेगा। अमेरिका निवासी होंगे उनके लिए अमेरिका सर्वश्रेष्ठ होगा, इसी तरह से जो चाइना में रहने वाले होंगे उनके लिए चीन सर्वश्रेष्ठ होगा, जो विश्व का सबसे गरीब देश भी होगा वहाँ की जनता भी अपने देश को तो सर्वश्रेष्ठ ही कहेगी। तो केवल कहने मात्र से तो बात नहीं बनती। यदि कोई बाहर का व्यक्ति पूछे कि आपके देश की ऐसी क्या विशेषता है कि आप भारत को महान कहते हैं, तो इस महानता के विषय में जानना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल जनसंख्या में सर्वाधिक होने के कारण, क्योंकि वर्तमान में हम पहले स्थान पर हैं, लेकिन कारण यह नहीं है कि हमारा देश सर्वश्रेष्ठ है। 1.5 अरब की जनसंख्या पहुंच गई इस कारण से सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा, जब 1.5 अरब की जनसंख्या नहीं थी तब भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया था। और इसके पीछे धन भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अमीर देशों की श्रेणी में हम पहले स्थान पर तो नहीं है, GDP के आधार पर भी हम पहले स्थान पर नहीं है, भौतिक वैज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर भी हम पहले स्थान पर नहीं है, ईमानदारी देखें तब भी हम पहले स्थान पर नहीं है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में हम ऊपर आते हैं। तो ऐसा क्या है हमारे पास कि सर्वश्रेष्ठ हैं हम? केवल कह देने भर से तो नहीं होता है। यदि कोई भी व्यक्ति पूछे कि भारत विश्वगुरु क्यों है और भारत की विश्व को क्या देन है, तो उसका समाधान है, उसका उत्तर है अध्यात्म। क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में मुझे लगता है कि विश्व के दूसरे देश हमसे कई आगे हैं, पर अध्यात्म में हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये गौरव का विषय तो है, परंतु केवल इतना कह देने मात्र से कि अध्यात्म में हमारे बराबरी कोई नहीं कर सकता, इससे हम सर्वश्रेष्ठ नहीं बन जाते, क्योंकि वह ज्ञान तो अभी तक ग्रंथों में ही सीमित है, या कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस ज्ञान के प्रकाश को आगे लेकर के चल रहे हैं। लेकिन भारत की जो 1 अरब की जनसंख्या है, 100 करोड़ की जनसंख्या है, हम अपने आप को सनातनी कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं या आर्य संस्कृति के धारक कहलाते हैं, क्या हमें अपनी संस्कृति का पता भी है? और दूसरी बात कि हमारी और जो अगली पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है, क्या उन्हें धर्म का पता है? अभी हम थोड़ी देर पहले स्टूडियो में बैठ करके बात कर रहे थे इसी विषय में कि आप यहाँ जितने मेरे पिता के या मेरी दादा की उम्र के लोग बैठे हैं, आप परंपरागत रूप से सनातन का अनुसरण करते आए हैं, पर जो मेरी जेनरेशन के लोग हैं या मुझसे छोटे लोग हैं या भविष्य में आने वाले बच्चे हैं, वो किस तरह से सनातन को जाने, क्योंकि उन्हें तो हम धार्मिक शिक्षा देते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, भौतिक शिक्षा ग्रहण करे और पैसे कमाए, जबकि दूसरे मत मतांतरों में आप देखेंगे तो प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति चाहेगा कि
वह कुरान पढ़े, उनका बच्चा कुरान पढ़े, बाकी चीजें दूसरे नंबर पर है। प्रत्येक ईसाई व्यक्ति अपने बालकों को बाइबल पहले नंबर पर पढ़ाना चाहता है। आप लोगों ने अभी स्टार भारत पर आने वाले राधा कृष्ण का सीरियल देखा होगा, उसमें जिन्होंने राधा का रोल किया था, राधा का अभिनय किया था, वह लड़की शायद क्रिश्चियन थी और उसने कहा कि मैं जहां भी जाती हूं मेरे पास बाइबल रहती है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या गीता देते हैं? वेद तो छोड़ दीजिए, वेद का तो चारों वेदों का नाम भी हो सकता है अधिकांशों को नहीं पता। तो इस तरह से हमारी संस्कृति कहां जा रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। और केवल सोचने विचारने से तो बात नहीं बनने वाली। और जितने विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो मेरी आयु के लोग बैठे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अध्यात्म या धर्म ये ओल्ड स्कूल थिंकिंग है या पुरानी विचारधारा है, हमें तो नई विचारधारा के साथ जुड़ना है, हम तो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं या भौतिक विज्ञान के अध्यापक हैं, अध्यात्म हमारे लिए आवश्यक नहीं है, मैं उनके लिए भी कुछ बात कहना चाहता हूँ। चूंकि ये सनातन संस्कृति ने सिखाया है, ये वैदिक संस्कृति ने हमें सिखाया है, जिन जिन विषयों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, वेद, उपनिषद, स्मृति, आयुर्वेद इत्यादि, ये भी विज्ञान ही है। जैसे फिजिक्स की पढ़ाई की जाती है, अध्यात्म विज्ञान को मेटाफिजिक्स कहा जाता है। और भौतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो प्रतिपल बदलता रहता है, इन वैज्ञानिकों के विचार बदलते रहते हैं, पर आध्यात्मिक परंपरा में ऋषियों ने जो उपदेश हमें दिया है या जो सत्य हमें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से हजारों या लाखों वर्ष पहले पता चला है, वो कभी भी नहीं बदलता है। इन्हीं ग्रंथों का आधार लेकर के बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार भी हुए हैं, लेकिन हमारी कमी क्या है कि यही बात जो हमारे दर्शनों में लिखी गई है, बाहर के किसी अंग्रेजी नाम के साथ जुड़ करके हमारे देश में आता है, तो हम उन्हें प्रधानता देते हैं, हम उन्हें मान्यता देते हैं, और हमारा कोई कहता है तो नहीं मानते। मैं एक दो उदाहरण रखना चाहूंगा आपके सामने। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी बहुत सारे बैठे हुए हैं, आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, तो सब कहेंगे न्यूटन ने। कैसे? सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब गिरा। क्या उससे पहले कभी कोई कुछ गिरा ही नहीं था आसमान से? कभी कोई सेब नहीं गिरा था? सेब तो कई गिरे होंगे, पर हमने न्यूटन को इसका श्रेय दिया। जबकि आप दर्शन खोल करके देखेंगे तो दर्शन में एक सूत्र आता है, वैशेषिक दर्शन में, संयोग अभावे गुरुत्व पतना। कि आप किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो संयोग का, आधार का अभाव होने पर, गुरुत्वाकर्षण के बल के आधार पर वह वस्तु नीचे पतित होता है, अर्थात गिरता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में तो कणाद मुनि पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन वही नाम किसी दूसरे से जुड़ करके आए तो हमने उसी नाम को जाना। भारतीय संस्कृति में वह प्रत्येक विज्ञान उपलब्ध है जिनके विषय में किसी भी वैज्ञानिक को गर्व हो सकता है। विमान शास्त्र से लेकर के आप भारद्वाज मुनि प्रणीत बृहद विमानिका शास्त्र देख लीजिए, उसमें 360 भिन्न भिन्न प्रकार के विमानों का वर्णन है। आज सबसे तीव्र गति से चलने वाले विमान को सुपरसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक मतलब सोनिक, अर्थात साउंड की गति से चलने वाले विमान। साउंड की गति मतलब लगभग 1300 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बृहद विमानिका शास्त्र में भारद्वाज मुनि हाइपरसोनिक विमान का वर्णन करते हैं, जो सुपरसोनिक जहाज से भी 8 गुना तेजी से चलने की क्षमता रखता है, और वह भी कैसे? केवल पानी से। उन्होंने ऐसी तकनीक का वर्णन किया है कि जिस पानी से इंजन को चलाना है उसमें पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करके उस हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में बदल करके विमान चलाने के विज्ञान का वर्णन है। लेकिन जब हमारे यहाँ वह ग्रंथ संस्कृत में हजारों वर्ष पहले से लिखे गए थे, हमने उसी संस्कृत को ओल्ड स्कूल कह करके, पुरानी विचारधारा कह करके त्यागा, और आज विदेशों के वैज्ञानिक या अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ, उन्होंने उन्हीं ग्रंथों को महत्व दिया,
चुपके से लेकर गए और उन्हीं ग्रंथों पर आधारित होकर बहुत से भौतिक आविष्कार कर डाले। लेकिन हमारी कमी क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब हम यहाँ की सत्य बात को बाहर का कोई व्यक्ति कहता है तो हम उसे मान देते हैं, क्योंकि मेरे पास समय तो अधिक नहीं है। मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। क्योंकि एक बात बस अंतिम में कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि भारत में सबसे अधिक साक्षर जो प्रदेश है वो केरल कहलाता है 97% साक्षरता दर के साथ, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा न होने से सबसे अधिक ओल्ड एज होम जिसको वृद्धाश्रम कहा जाता है उनका भी निर्माण वहीं पे हुआ है। केवल भौतिक शिक्षा देने से कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, हमें अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा देनी होगी और उन्हें सनातन के मूल्य को समझाना होगा कि जिस जिस विज्ञान के पीछे आज की भौतिक दुनिया के लोग पड़े हुए हैं वह सारा हमारे ग्रंथों में निहित है। ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं होगा जिसका मूल या जिसके सूत्र आपको वेदों में, दर्शन में, उपनिषद में ना मिले। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी संत जनों से, सभी विद्वत जनों से और विद्यार्थियों से भी ये आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सनातन में जो साहित्य है उनका स्वयं भी अध्ययन करें। और जैसा कि कल पूज्य स्वामी जी ने भी आह्वान किया था कि जितने मंदिर हैं वे सभी शिक्षा का केंद्र बने, केवल पूजा पाठ के केंद्र न बने। पूजा पाठ अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन साथ में वह ज्ञान मंदिर बने, पुस्तकालयों की स्थापना हो और प्रत्येक पुस्तकालय में कम से कम सप्ताह में एक बार ऐसा इस प्रकार का उपदेश हो कि आज का युवा वर्ग अध्यात्म से जुड़े, सनातन से जुड़े और वह वास्तविक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान अथवा मेटाफिजिक्स को समझे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम।